हम विश्रामपुर विधानसभा में पिछले 4-4.5 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चूंकि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, इसलिए किसी पार्टी की ओर अपना मुख नहीं में घुमाया और मैं अच्छा समझा कि मैं स्वयं ही स्वतंत्र रूप से इस क्षेत्र का उम्मीदवारी करें। क्या लगा जो है इससे पहले बीजेपी का प्रतिनिधित्व किया यहाँ पे रामचंद्र चंद्रवंशी ने, उससे पहले अन्य दलों के भी लोग थे, आरजेडी से भी हुए, तो क्या क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियाँ यहाँ का विकास नहीं कर पाई? अभी पिछले 5 वर्षों से रामचंद्र चंद्रवंशी जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसके पहले 10 बार राष्ट्रीय जनता दल, 2 बार यानी 10 साल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हुआ करते थे। आप अगर विश्रामपुर विधानसभा के 7 प्रखंड में अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेंगे तो कहीं जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। छोटे छोटे पुलिया जो 5 लाख 10 लाख में बनने वाले हैं वह भी नहीं बने हैं। और यहाँ का सबसे मुख्य बात यह है कि विश्रामपुर विधानसभा के अंतर्गत लगभग सैकड़ों डैम जो 5 लाख से लेकर के 25 लाख के लागत में बनने वाले हैं वो भी जस के तस पड़ा हुआ है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हमारे रामचंद्र चंद्रवंशी हैं इस ओर कोई ध्यान नहीं दिए। क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर मिलेगी आपको इस बार? फिर वो भी मैदान में है और ददई दुबे भी मैदान में है, वो भी वरिष्ठ नेता है, कितनी कड़ी टक्कर मिलेगी आपको? ददई दुबे कांग्रेस पार्टी के तरफ से यहाँ 4 बार चुने गए, 20 वर्ष उन्होंने यहाँ विधायक गिरी का काम किया और बीच बीच में मंत्री भी बने, लेकिन वो लोग 20 वर्ष में श्री चंद्रशेखर दुबे के जी के द्वारा जो काम किया गया है वही काम के बारे में हम बोल रहे हैं। उसके बाद रामचंद्र चंद्रवंशी जो 15 साल यहाँ विधायक सहमंत्री रहे, उन्हीं का यह कार्य क्षेत्र है और यहाँ के क्षेत्र का यही दुर्दशा है। आपका क्या एजेंडा रहेगा संक्षेप में बताइए? हम एक समाज सेवी हैं। 55 वर्ष की उम्र में मैं यहाँ समाज सेवी के रूप में आया हूँ। इसके पहले मैं क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था और अपने हिसाब से मैं इस क्षेत्र में कोई लूटने खसोटने के लिए नहीं आया हूं। मैं तमाम जगहों में जाकर यह कहता हूं कि अगर हम यहां का प्रतिनिधि बने तो विधायक गिरी का 1 रुपया नरेश सिंह के पॉकेट में नहीं जाएगा, उस सब पैसा आम पब्लिक का होगा। इसके अलावा मेरा व्यक्तिगत धंधा से जो कमाई होता है उसका 20-25% जन कल्याण में जाएगा, यही मेरा उद्देश्य है इसमें आने का। तो ये थे नरेश प्रसाद सिंह, जिनका ये मानना है कि अगर ये विधायक बनते हैं तो विधायक फंड से तो जो पैसे जाएंगे ये उसमें 1% भी ये नहीं लेंगे और जो अपनी जो आय होती है उससे भी क्षेत्र के विकास की योजनाओं में लगाएंगे और उसका काम करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ निलय सिंह, कशिश न्यूज़, विश्रामपुर।